एपिसोड 863, अब सब कुछ साफ। ध्रुव ने जब देखा कि इंस्पेक्टर विवेक आया था, वो भी सिविल ड्रेस में, तो उसे लगा कि जरूर कोई सीरियस मैटर होगा। ध्रुव विवेक को देख ही रहा था कि तभी पीछे से विक्की बोला, कौन आए हैं? ध्रुव ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। तब तक विवेक अंदर आ चुका था। विवेक ने वहां मौजूद सबकी तरफ एक एक नजर डाली और फिर बोला, ध्रुव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ध्रुव ने कहा, इंस्पेक्टर साहब इसके लिए आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी, आप मुझे ही बुला लेते। विवेक ने कहा, अब इस मामले में मैं पर्सनली इन्वॉल्व्ड हूं, तो मुझे उसको पर्सनली ही हैंडल करना होगा। मैं हर बार तो इसे लीगली ट्रीट नहीं कर सकता ना, और इस बात को तुम भी समझ सकते हो। ध्रुव ने हां में सिर हिलाया तो विवेक बोला, क्या यहां बात करना सही रहेगा? इतना कहकर विवेक ने लड़कियों की तरफ देखा तो ध्रुव बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप मेरे घर के अंदर हैं तो सामने कोई भी हो, आप बेफिक्र होकर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि अगर मेरे दोस्तों में से कोई भी सामने हो तो सोचने की कोई बात नहीं है। विवेक ने हाँ में सिर हिलाया और फिर पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ ध्रुव को बताया कि किस तरह से तीसरी लड़की भी गायब हो गई। ये सुनते ही ध्रुव हैरानी से बोला, लेकिन इंस्पेक्टर मैंने तो आपसे कहा था ना कि पुलिस को उस पर नजर रखनी होगी, आपने सुमेर पर नजर नहीं रखी क्या? विवेक बोला, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें और कैसे समझाऊं, हर जगह पर एक बेवकूफ होता ही है, ऐसे ही हमारे पुलिस स्टेशन में भी एक बेवकूफ है, वही हमारा वन एंड ओनली मक्का, जिसकी 3 साल से नई नई शादी खत्म नहीं हो रही और वो अपनी बीवी से बात करने के चक्कर में पूरे संसार को ही भूल जाता है। ये सुनते ही विक्की धीरे से बोला, बताओ 3 साल पुरानी बीवी से भला कोई इतनी सारी बातें कैसे कर सकता है? ये सुनते ही तारा ने तुरंत रिएक्ट किया और बोली, क्या बोले तुम? विक्की बोला, कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ बोला, मैं तो कह रहा था कि ये तो बहुत गलत बात है, काम के प्रति तो सबको जिम्मेदार होना चाहिए ना। उन दोनों की नोकझोंक देखकर एक बार को विवेक के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने विक्की और तारा को देखते हुए कहा, वैसे शादी कब है तुम्हारी? विक्की बोला, आपको कैसे पता कि हमारी शादी होने वाली है? विवेक ने कहा, पुलिस वाला हूँ, वो भी कई सालों से, और यहाँ तक बहुत एड़ियां घिस घिस कर पहुंचा हूं, लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन को बखूबी समझ सकता हूँ। ध्रुव ने कहा, ये सब तो चलता ही रहेगा इंस्पेक्टर, आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि अब क्या होगा। विवेक ने कहा, तुमने कहा था ना कि तुम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर वो लड़कियां गई कहाँ होंगी, तो कुछ पता चला तुम्हें? ध्रुव ने कहा, फिलहाल तो नहीं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप नहीं समझ रहे इंस्पेक्टर, ये बहुत बड़ा मामला है। विवेक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सिर्फ सुमेर की तरफ से ही चिंता हो रही है? ये बात अगर बाहर गई या ऊपर तक पहुंची तो बवाल हो जाएगा, माहौल में दहशत फैल जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 3-3 लड़कियां गायब हुई हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं हुई है, सब अपनी मर्जी से चली गई हैं और फिर लौटी ही नहीं। बहुत जल्द ये मामला एक मामूली मामले से होते होते पॉलिटिक्स का मुद्दा बन जाएगा और फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, हमारे रास्ते में अलग अलग तरीके की रुकावट आने लगेंगे। उन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद चेरी एकदम से बोली, तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरे पास जो खबर है वो इन सब से भी ऊपर है, और शायद मैं जैसा सोच रही हूँ, अगर वैसा हुआ तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये सुनकर सबका ध्यान चेरी की तरफ चला गया और विवेक ने चेरी को ध्यान से देखते हुए कहा, इनका इंट्रोडक्शन, इनको तो शायद मैंने तुम्हारे घर में पहले कभी नहीं देखा, या अगर देखा भी हो तो कभी नोटिस नहीं किया। इतना कहते हुए विवेक ने चेरी को सिर से पैर तक देखा। ध्रुव ने कहा, ये चेरी है, दरअसल पाली में जो स्कूल का काम स्टार्ट करवाया है ये उसी के लिए आई हुई है, ठकुराइन ने ही चेरी को बुलाया है। दरअसल चेरी पहले सुमेर की कैद में थी और सुमेर ने इसके साथ बहुत गलत किया है, इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, ऐसा कुछ करने के बारे में तो कोई सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सब सुनकर विवेक को चेरी से सहानुभूति हुई और उसने अफसोस जताते हुए कहा, आई सी, आई एम सो सॉरी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन चेरी ने स्ट्रिक्ट लहजे में कहा, वाई आर यू सो सॉरी, आई मीन इन सब में आपका क्या लेना देना, ना आप मुझे जानते हैं ना मेरी सिचुएशन को, सो प्लीज। इतना कहकर चेरी ने ध्रुव की तरफ देखा और बोली, एक्चुअली मैं जो कहने के लिए यहाँ आई थी वो तुम लोगों ने सुना ही नहीं, उससे पहले पुलिस आ गई, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब आ गए, तो सारा सिनेरियो उनकी तरफ शिफ्ट हो गया, एक्चुअली बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? चेरी बोली, एक सेकेंड ध्रुव, इधर आना। ध्रुव चेरी के साथ जरा सा साइड में गया तो चेरी ने कहा, क्या ये इंस्पेक्टर सब कुछ जानते हैं?
मतलब जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पर? ध्रुव ने कहा, 80% या 85%, तुम बोलो ना, तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकती हो। चेरी ने कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों वापस आए और फिर चेरी बोली, एक्चुअली गड़बड़ ये हो गई है कि दोनों अनन्या आमने सामने होने वाली हैं, और ऐसा कभी भी हो सकता है। अगर सिचुएशन को जल्द ही नहीं संभाला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनते ही विवेक एकदम से बोला, दो अनन्या आमने सामने आ जाएंगी, ये क्या कहने की कोशिश कर रही है? चेरी की बात पर ध्रुव अपने मन में बोला, अरे 80-85% का मतलब ये भी नहीं था कि इससे सबके बारे में इतना डीपली पता है। खैर, अब तो जो होना था सो हो गया। उसके बाद ध्रुव ने कहा, एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आप अभी तक अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर विवेक ने नाराजगी जताते हुए कहा, ये क्या बात हुई, तुमने मुझे बहुत कुछ बताया है, अगर तुम मुझे इतना सब कुछ बता सकते हो तो बाकी की चीजें भी तुम मेरे साथ क्लियर रख सकते हो ना? और वैसे भी देखो, अगर हम एक दूसरे से चीजें छुपाते रहेंगे तो ना मैं तुम्हारी हेल्प ठीक से कर पाऊंगा, ना किसी और चीज में कोई सपोर्ट दिखा पाऊंगा, क्योंकि पर्सनली इन्वॉल्व होने के लिए भी मेरे पास लीगल राइट्स का होना जरूरी है। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, मैं बहुत से मामलों में तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन एक कॉमन मैन के तौर पर तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, और शायद तुम्हें कॉमन मैन के तौर पर मेरी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ध्रुव ने विवेक से कहा, इंस्पेक्टर आप नाराज मत होइए, मेरा इंटेंशन आपसे कुछ छुपाने का नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ध्रुव ने धीरे धीरे करके सारी बातें बतानी शुरू की, जिसमें नकली अनन्या भी शामिल थी, क्योंकि विवेक पहले भी सुमेर की शक्तियों को देख चुका था तो उसे यकीन था कि ध्रुव जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सच ही कह रहा होगा। ये सब सुनकर विवेक बोला, कमाल की बात है, मतलब जो कोई सोच भी नहीं सकता वो सब भी सुमेर कर सकता है। विवेक के चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस को देखते हुए विकी की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए बोला, अपना चेहरा तो देखिए इंस्पेक्टर, ऐसा लग रहा है अगर सामने सुमेर आ जाए तो आप घबरा जाएंगे। विकी की बात पर विवेक ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोला, भूलना मत कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे सामने कोई भी आए मैं डरता नहीं हूँ, और ना ही मुझे सुमेर की शक्तियों से कोई फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे जैसा जो भी एक नॉर्मल इंसान है जिनके पास इस तरह की पैरानॉर्मल शक्तियां नहीं होती, नॉर्मली एक बार के लिए तो उन्हें ये सारी चीज हैरान जरूर करती है। और सच बताऊं तो अगर मैंने महादेव के घर पर जो कुछ भी हुआ वो अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी इन बातों पर यकीन भी नहीं करता। और बाहर भी अगर तुम किसी को पकड़कर ये सब सुनाओगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें ही पागल समझेगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। विक्की धीरे से बोला, नहीं वैसे बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेरी दोबारा उन दोनों के बीच में बोली, गाइज अगर तुम लोगों का ये समझना समझाना हो गया हो तो बताओ क्या करना है। मैंने वहां बड़ी मुश्किल से सिचुएशन को संभाल रखा है, मतलब मैं तो यहाँ हूँ, ठकुराइन ने सिचुएशन को संभाल रखा है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक सिंगल हैंडेडली इतना कुछ मैनेज कर पाएंगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द दोनों अनन्या के बीच में दूरी बनाए रखने के लिए वहां ठकुराइन की हेल्प करने के लिए पहुंचना पड़ेगा। वरना ध्रुव, तुम जो जानना चाहते हो कि आखिर वो लड़कियां कहां गई हैं, ये तो भूल ही जाना, क्योंकि ये जानने के लिए हमारी वाली असली अनन्या का वहां रहना बहुत जरूरी है। ध्रुव ने काफी गहराई से सोचते हुए कहा, चेरी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ठीक है सबसे पहले तो हमें अभी वहां चलना चाहिए, देखते हैं वहां का कैसा माहौल है। विवेक ने कहा, मेरे पास इससे बेटर आइडिया है, तुम में से किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां जाता हूँ। ध्रुव ने कहा, और आप वहां जाकर करेंगे क्या? विवेक बोला, मैं पुलिस वाला हूँ और महादेव के केस की फाइल अभी बंद नहीं हुई है, ये बात तुम भी जानते हो, ऑफिशियली उसके मर्डर का कातिल अभी भी घोषित नहीं हुआ है, बल्कि जानते तो हम सब हैं कि उसका कातिल कौन है, और क्योंकि ये केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ है तो मैं हवेली कभी भी आ जा सकता हूँ। विक्की ने पूछा, लेकिन आप तो सिविल ड्रेस में हैं, इस तरह से क्या आप वहां जा पाएंगे? विवेक ने कहा, मेरी यूनिफॉर्म मेरी पहचान जरूर है, लेकिन अगर मैं बिना यूनिफॉर्म के भी रहूं तो भी मेरी ड्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्रुव कुछ सोचता हुआ बोला, इंस्पेक्टर साहब ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक काम करते हैं, जैसा कि इंस्पेक्टर ने कहा कि वहां पर पहले वो जाएंगे और उन सबका ध्यान अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है अब तक सुमेर भी हवेली पहुंच ही गया होगा। तभी विवेक ने कहा, सुमेर तो बहुत पहले हवेली पहुंच चुका है। विक्की ने इरिटेट होते हुए कहा, लो ये कांड तो कब का हो चुका है, अब वहां जाकर क्या ही कर लोगे, मैं तो कहता हूँ चुपचाप बैठो और उन लोगों को आपस में ही निपटने दो, वैसे भी अब तक तो सुमेर ने दोनों अनन्या को देख ही लिया होगा, हो सकता है हमारे जाने से उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। विवेक इरिटेट होता हुआ बोला, यार सबसे पहले तो तुम्हारे घर में ये जो मनहूस आदमी है इसका मुंह बंद करो,
और इसे काल कोठरी में बंद करो, क्योंकि मैं बचपन से ही मनहूसियत के बारे में सुनता आया हूँ कि जितना मनहूस बोलोगे उतनी मनहूसियत फैलती है। और मैं जब से आया हूँ ये आदमी उल्टी सीधी बातें ही कर रहा है। बाकी सबको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा तकलीफ है, विक्की नाराज होता हुआ बोला। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, वैसे ये भी मेरा ही घर है, ध्रुव ने विक्की को देखते हुए कहा। विक्की, अगर तू कुछ देर के लिए चुप हो जाएगा तो तुझे कोई पाप नहीं लग जाएगा, और अगर तुझे पाप लग भी जाए तो मैं तेरा शुद्धिकरण कर दूंगा, लेकिन प्लीज बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। इंस्पेक्टर साहब आप निकलिए, आप अपना काम कीजिए, हम पीछे से आते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। विवेक ने हाँ में सिर हिलाते हुए चेरी की तरफ देखकर कहा, अगर आपको चलना हो तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ, और जाहिर है बाकी कोई जाए या ना जाए आपको तो वहां जाना ही है। चेरी ने कहा, नो थैंक यू, मैं अपने आप ही मैनेज कर लूंगी। विवेक ने फॉर्मली कहा, एज यू विश, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं उस तरफ जा ही रहा था बस इसलिए पूछा, एनीवे अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर विवेक वहां से निकल गया।